हेलो एवरीवन कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास एलेवेंथ हिस्ट्री चैप्टर फोर का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि उस समय जो इस्लामिक लैंड्स थे उनका लैंग्वेज और कल्चर जो था वो किस तरीके का था सो so, किसी भी रिलीजन में लैंग्वेज और कल्चर बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि वहाँ पे लोग कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं वहाँ पे लर्निंग कैसी है उनकी लर्निंग कल्चर में क्या चीज़ वो या लर्न कर रहे हैं किस चीज़ को वो प्रीच कर रहे हैं प्रे कर रहे हैं और कल्चर उनका कैसा था ऑब्वियसली बात है कि जिस चीज़ को आप प्रे कर रहे हो आपका कल्चर डिसाइड करेगा सो so, जो रिलीजियस और सोशल एक्सपीरियंसेस थे मुस्लिम्स के वो क्या थे अगर हम पुराने समय की बात करें तो वो बहुत ही बेहतरीन होते गए थे समय के साथ इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था कि थ्रूआउट उनकी जो लाइफ रही थी ना उन्होंने कॉन्टैक्ट बहुत सारे लोगों से किया था सो so, जो कम्यूनिटी थी वो एक तरीके से ओबलाइज मानती थी अपने आप को कि वो अपने आप को भगवान से अल्लाह से रिलेट करे सबसे ज़्यादा लाइक uh, like किसी और कम्युनिटी में इतना ज़्यादा कनेक्शन गॉड से उस समय नहीं था था तो सब में बट यहाँ पे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा डीप और परटेन किया जाता था जैसे वट शुड बी द आइडल कंडक्ट ऑफ मुस्लिम इन पब्लिक एंड प्राइवेट कि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना कि मुस्लिम्स को पब्लिक में कैसे डील करना चाहिए प्राइवेट में कैसे रिएक्ट करना चाहिए भगवान ने हमें क्यों बनाया है इतने सारे क्रिएचर्स को क्यों बनाया है जो यूनिवर्स है उसकी मिस्ट्रीज क्या है मतलब एक तरीके से हजारों लाखों सवाल थे जो सारी की सारी कम्युनिटी को किस तरीके से वो परेशान नहीं कर रहे थे वो बस इन सब सवालों का जवाब चाहते थे कि मकसद क्या है हमें बनाने का किस तरीके से हम बनाए गए हैं तो ए, मतलब वो अल्लाह से वो मोहम्मद प्रॉफिट से क्या करने की कोशिश करते थे कि अपने आप को लायक सिद्ध करने की कोशिश करते थे अब एक बहुत बढ़िया शायरी है शायरी के लाइन सी हैं कि मोहम्मद से वफा तूने की तो हम तेरे हैं ये जहाँ चीज क्या है लहू कलम तेरे हैं वट डज दैट मीन की इफ यू आर कनेक्टेड गॉड सो दिस टाइप ऑफ रिलेशन जो मुस्लिम्स थे उनका भगवान के उनका अल्लाह के साथ था अब इन सब का आंसर किस तरीके से आता है धीरे धीरे जो सोसाइटी चेंज हो रही है उसके साथ साथ हमें सबके जवाब मिलना शुरू हो जाते हैं अगर हम रिलीजियस स्कॉलर्स की बात करें जिनको उल्मा, उल्मा बोलते हैं और नॉलेज को इल्म बोलते हैं ये सब डराइव कहाँ पर हुआ है कुरान से और किस तरीके से लोग बिहेव करेंगे ये सब चीज़ें भी वहाँ पर लिखी गई हैं और कुरान जो था या उसके अलावा जो प्रॉफिट मोहम्मद की बातें थी ये ही ऑलमोस्ट प्रॉपर गाइडेंस थी पूरे वर्ल्ड के लिए अब जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे वो क्या बिलीव करते थे मतलब मिडिवल टाइम्स में उन्होंने अपने आप को राइटिंग्स में डिवोट कर दिया था लाइक जो मोहम्मद प्रॉफिट की ऑथेंटिक जेनविन बातें थी वो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा लिख दें वो ताकि आगे आने वाली जो जनरेशन हैं उनको इन सब चीज़ों का ज्ञान रहे अब कुछ लोगों ने एक बॉडी ऑफ लॉ या फिर शरिया प्रिपेयर करना शुरू कर दिया शरिया इज वॉट एक स्ट्रेट बात किसी भी चीज को करने का ताकि मुस्लिम्स का जो गॉड के साथ रिलेशन है वो बढ़ सके थ्रू रिचुअल्स रिचुअल्स को उन्होंने क्या बोल दिया इबादत जैसे प्रार्थना वगैरह होती है उसको ही इबादत बोल देते हैं और भगवान के साथ भी, भी जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका रिलेशन बढ़े और आपस में भी बढ़े जो सोशल अफेयर्स हैं जिसको मामला कहते हैं उनके साथ भी ये रिलेशन क्या हो इंक्रीज हो अब जो जूरिस्ट हैं उन्होंने भी रीजनिंग वगैरह लाइक सारी चीज़ें बनाना शुरू कर दिया था क्योंकि आ, सब लोग जो थे वो इतना क्लियर नहीं थे कुरान को लेकर के और लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो रही थी अर्बनाइजेशन की वजह से तो वो चाहते थे कि सब लोगों पे क्या हो कि सब लोगों पे वो सारी चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट बहुत पॉजिटिव वे में इफ़ेक्टफुल रहे अब जो डिफरेंसेस हैं इंटरप्रिटेशन में वो भी कई सारे हैं लेकिन मेन जो उनका मकसद था वो यही था कि दे शुड रिलेटेल्व टू द गॉड अगर हम स्कूल्स की बात करें कि देर वर फोर स्कूल्स ऑफ लॉ और एट एट्थ और नाइन्थ सेंचुरी में फोर स्कूल ऑफ लॉ कौन से थे मालिकी हनाफी शाफी और हनबली ये सब स्कूल्स थे जिनके नाम लीडिंग जो जूरिस्ट थे उनके नाम पे रखे गए थे अब जो शरिया था यानी कि जनरल गाइडेंस थी उन्होंने क्या कोशिश करी थी कि सारे लीगल इश्यूज को वो कवर करने की कोशिश करें बट इनिशियली ये जो लीगल इश्यूज थे ना ये पर्सनल स्टेटस पे ज़्यादा थे जैसे मैरिज डिवोर्स इनहेरिटेंस और कमर्शियल इश्यूज पे थोड़े से कम थे मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड नहीं थे अब ये देखिए दिस इज सो ब्यूटिफुल मतलब लाइक इट इज वेरी प्रिटी वॉट इट इज ये एक तरीके से आपका कोर्ट uh, है किसके मदरसे का और मदरसा कहाँ पे बगदाद में अब मदरसा क्या होता है जहाँ पे स्कूलिंग होती थी आ, मुस्लिम्स वगैरह की अब बहुत जो मदरसाज होते थे मोस्टली क्या होते थे जो मॉस्क्यूज होते हैं ना उनसे अटैच होते हैं पर जो बहुत बड़े मदरसे होते हैं उनसे मॉस्क्यूज जो होते हैं जो मस्जिद होते हैं वो अटैच्ड होते हैं अब वॉट इज द कुरान सी कितनी बेहतरीन लाइन लिखी है यहाँ पे कि अगर जो सारे पेड़ हैं ना पेड़ पौधे जो भी अर्थ पे है वो पेन हो और अगर सातों समंदर को मिला लें आप और वो स्याही हो, फिर भी जो अल्लाह ने बातें सिखाई है लाइक like, वो चीज इतनी ज्यादा बड़ी है वो पावर इतनी ज्यादा बड़ी है कि इस जहाँ की सब चीज मिला के भी उसके शब्दों को आप कहीं पर एकत्रित कहीं पर इकट्ठा नहीं कर सकते फिर भी आ, जो कोशिश की गई है कुरान में बहुत सारी बातें जो थी वो लिखने की कोशिश की गई है अब कुरान में जो वॉवल्स साइन है वो रेड से लिखे जाते हैं ताकि प्रोनंसिएशन सही रहे अब कुरान अरेबिक बुक है वन वन फोर चैप्टर्स हैं जिनको सराज बोलते हैं और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है लाइक पहला चैप्टर सबसे बड़ा फिर उससे छोटा उससे छोटा और लास्ट चैप्टर सबसे छोटा एक एक्सेप्शन है कि जो फर्स्ट चैप्टर है ना उसमें सिर्फ एक शॉर्ट प्रेयर बाकी सब वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अब मुस्लिम ट्रेडिशन के हिसाब से कुरान कलेक्शन ऑफ मैसेजेस है जो भगवान ने प्रॉफिट मोहम्मद को दिए थे 610 से 632 के बीच में पहले मक्का में और फिर मदीना में जो कंप्लीट uh, कुरान बनाई गई थी वो लगभग 650 में बनाई गई थी अब जो ओल्डेस्ट कंप्लीट कुरान थी वो नाइन्थ सेंचुरी में हमारे स्टोडेंट्स को मिली है अब बहुत सारे फ्रेगमेंट्स हैं कुछ ओल्डर हैं कुछ न्यू हैं तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड हैं अब जो यूज़ है कुरान का एज़ अ सोर्स ऑफ मटेरियल ऑफ हिस्ट्री अर्ली इस्लाम में उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है कुछ प्रॉब्लम कैसे हैं कि जो थियोलॉजियंस हैं कुछ लोग क्या कहते हैं कि स्पीच ऑफ गॉड है जो उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद को बताई थी और कुछ लोग कहते हैं कि ये कुरान गॉड का अपना क्रिएशन है भगवान खुद ही बना के गए थे इसको सो so, इन सब के बीच में आ, उस समय पर भी काफ़ी ज़्यादा बहस जो थी वो चलती रहती थी अब इसके अंदर काफ़ी अब देखें तो जो ये इवेंट्स हैं ना वो उसको पूरी तरीके से नरेट नहीं करती है बस रेफर करती है इसका सेंस क्या हुआ कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो ना तो उसका एग्जैक्ट मीनिंग वो आपको नहीं बताएंगे कि इसका ये मीनिंग है वो टोटली totally आपके इंटरप्रिटेशन पे बेस्ड होगा कि उस शब्द से आप समझे क्या हैं सो so, ये चीज़ इसके अंदर दे रखी है अब जो लॉज थे जो उन्होंने बनाए थे जो मोस्टली पर्सनल थे फाइनल फॉर्म लेने से पहले जो शरिया था उसने अपने आप को कस्टमरी लॉज में भी थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करी कि हाँ जी थोड़ा सा पॉलिटिक्स सोशल ऑर्डर के बारे में भी डाला जाए और बहुत सारे कस्टमरी लॉज ऐसे थे जिन्होंने शरिया को मानने से मना कर दिया था बाईपास कर रहे थे वो उनको जैसे इनहेरिटेंस ऑफ लैंड बाय डॉटर्स की क्या डॉटर का हक है क्या पिता की प्रॉपर्टी पे या नहीं है शरिया जो था वो उसको हामी भर रहे थे बट कस्टमरी लॉज नहीं भर रहे थे बहुत सारी रिजाइम्स में जो रूलर और जो ऑफिशल्स थे उन्होंने क्या करा उन्होंने कुछ सेलेक्टेड केसेस में काजीज को जजेस को भेजा था ये सारी चीजें बनाने के लिए अब जो काजी थे जो जिनको स्टेट अपॉइंट करता था काजी कौन जज जो अपॉइंट होते थे वो आ, क्या करते थे ज्यादातर वो आर्बिट्रेटर का, का काम करते थे आर्बिट्रेटर मतलब एक तरीके से अगर कोई इशू है तो उसको पहले ही सॉल्व कर दिया जाए और ऐसा नहीं है कि कानून से पहले ही आपको सजा ही दी जाए नहीं वो कोशिश करते थे कि सजा से पहले अगर आपस में कोई बात हो के सुलझ सकती है तो वो हम सुलझा सकते हैं अब जो ग्रुप है रिलीजियस माइंडेड पीपल का मिडिवल इस्लाम में उनको सूफीज बोला जाता था सूफी सॉन्ग या सूफी डांस अगर आपने कभी देखा है यूट्यूब वगैरह पे सो इट इज मोस्ट पीसफुल म्यूजिक एवर सूफ़ी जो था वो वर्ड कहाँ से आया था वो वर्ड आया था आपका कि एक तरीके से आप जो भगवान है ना जो अल्लाह है जो खुदा है उससे रिलेट कर जाते हो वो संगीत इतना गहरा होता है कि यू आर जस्ट रिमेंबरिंग द गॉड आप सिर्फ भगवान को याद कर रहे होते हैं सो so, uh, जो सोसाइटी थी वो इधर लड़ने झगड़ने में लगी हुई थी सारी चीज़ें थी वो धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ हो रही थी बट इधर जो सूफी संत थे उनका आइडिया क्या था उनका आइडिया था पैनथीज्म का पैंथीजम का मतलब खुदा से प्यार करो और उसकी बनाई हर चीज़ से मोहब्बत करो सो दिस वॉज पैनथीज्म ये आइडिया है वननेस टू द गॉड और उसकी क्रिएशंस को सबको उतनी ही इज्जत दो जितनी मिलनी चाहिए सबसे प्रेम करो ताकि आप यूनाइटेड हो सको उसके साथ जिसने आपको बनाया है ये देखिए सूफी सन्स की पेंटिंग दे रखी है दिस इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल सो और उसके अलावा पैंथीज में इन्होंने क्या बोला इन्होंने कभी भी किसी चीज में भेदभाव नहीं किया ना किसी जेंडर से इन्होंने भेदभाव किया ना स्टेटस से ना ही रिलीजियन से ध्यान रखिएगा ना ही रिलीजन से ये कहते थे कि सूफी जो है उसको कोई भी अपना सकता है वो किसी भी धर्म का हो सकता है अब अगर हम बात करें कि जो यूनिटी ऑफ गॉड है वो अचीव की जा सकती है इंटेंस लव फॉर गॉड यानी कि इश्क से जो भगवान आपको मिल सकते हैं वो सिर्फ एक ही तरीका है इश्क हो जाना खुदा से तो एक वुमेन संत है राबिया बसरा उन्होंने ये सब अपनी पोएम्स में लिखा है उनकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं जो मुझे भी याद आ रही हैं उसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर मुझे तुझसे मोहब्बत है सिर्फ इस डर से कि मैं दोजख न चली जाऊँ मुझे दोजख ही भेज दो व्हाट इज दोजख दोजख इज नर हेल सो व्हाट व्हाट डस ही से कि इफ आई अडोर यू आउट ऑफ फियर ऑफ हेल जस्ट बर्न मी इन हेल ये छोटी सी लाइन है बट इट कंटेेंस अ मच डीपर मीनिंग्स और उसके अलावा बायाज बिस्तामी ये भी इानियन सूफी हैं ये फर्स्ट टू टीच थी इम्पोर्टेंस ऑफ सब मर्जिंग यानी कि खुद को भगवान में मिला दो दैट स्टेट इज कॉल्ड फना हो जाना कि आपको अपना कुछ ध्यान ही नहीं है आपको बस वो खुदा दिख रहा है आपको बस वो अल्लाह दिख रहा है आपको बस वो भगवान दिख रहा है और आपने उसको खुद में मिला दिया जो सूफीज थे उन्होंने म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स जिनको साम सामा बोलते थे उससे क्या करा उससे अपने इमोशंस को लव को पैशन को भगवान से कनेक्ट करने का कोशिश किया था बिकॉज़ इज़ वेरी डीप अगर आप एक राइट right म्यूज़िक चुनते हो तो हैज़ पावर ऑफ हीलिंग हैज़ पावर टू गेट कनेक्शन विद द गॉड सो उन्होंने यही चीज़ पे वर्क किया था अब सूफिन सबके लिए ही ओपन था और उसके अलावा अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री में ये लोग जो थे वो उसको अपना सकते थे अब अब्बास कैलिफ अल मुतावकिल की बात करें उन्होंने क्या कहा था कि मैंने ट्रू इस्लाम ना एक ओल्ड वोमन से सीखा था और ट्रू शिवलरी थी वो मैंने एक वाटर कैरियर से सीखी थी तो इससे क्या हुआ कि बाय मेकिंग रिलीजन मोर पर्सनल एंड लेस इंस्टीट्यूशनल जो सूफी उन्होंने गेन करी पॉपुलैरिटी यानी कि वहां पे सब लड़ाई क्या कर रहे थे रिलीजन को वो पॉलिटिक्स से रिलेट कर रहे थे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व कर रहे थे बट यहाँ पे सूफी जो आते हैं ना उन्होंने इस चीज को पर्सनल पर्सन uh, से रिलेट किया था अपने आप से रिलेट किया था कि धर्म जो है ना ये कोई पॉलिटिक्स uh, का हिस्सा कभी नहीं होना चाहिए ये अपने मन की बात होनी चाहिए और अपने आप को कनेक्ट करो गॉड से इश्क करो भगवान से और उन्होंने चैलेंज किया था जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम थे उसको अब इस पार्ट में यहीं तक रखते हैं नेक्स्ट uh, पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में सो थैंक यू सो मच मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू